है दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल अप्लायंस एक्सपर्ट। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सोनी का OLED टीवी A80J। और इस मॉडल को हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी है सारा कुछ रिवील करने वाले हैं इसी वीडियो में। और उसके साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा क्या आपको ये टीवी बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बने रहिए इस वीडियो के साथ। हे दोस्तों, अगर बात सोनी OLED की हो रही है तो सबसे पहले बता दूं, इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है वो टोटली नेक्स्ट लेवल है। इस मॉडल में आपको 4K रेजोल्यूशन के साथ OLED पैनल मिलता है, वो भी गूगल OS के साथ। जहां पर बात होता है टीवी के पिक्चर क्वालिटी के, वही पर इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकल सेट टॉप बॉक्स या फिर अभी तक डिश एंटेना भी चल रहा है। और वहीं पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी डिलीवर्ड होता है फुल HD के नाम पे, वो 720 का भी HD रेजोल्यूशन, शुरुआती HD रेजोल्यूशन आपको मिलता है आपके सेट टॉप बॉक्स पे। इस टीवी का जो इंजन है, अपस्केलिंग प्रोसेसर है, वो आपकी पिक्चर को इतना बेहतर तरीके से अपस्केलिंग करता है जो दूसरे ब्रांड्स में देखने को नहीं मिलता। उसी के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि सोनी का जो ये एंड्रॉयड गूगल टीवी है वो सब कस्टमर के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में सैमसंग या फिर LG जो इतने भी हाई एंड मॉडल है उन सभी में गेम ऑप्टिमाइज़र जैसे एडवांस फैसिलिटी आ चुका है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर गेमिंग के प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर आप जाके थोड़ा डिसअपॉइंट फील करेंगे दोस्तों। फिर भी इस टीवी में आप अपने PlayStation 5 को भी अटैच कर सकते हैं और बहुत सारा गेम आप इसमें भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके चलते आपका एक सर का जो एक्चुअल पिक्चर रेजोल्यूशन और डिटेलिंग है उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जो दूसरा टीवी ब्रांड सोच भी नहीं सकता। लेकिन अलग से आपको गेमिंग कंसोल इसमें ऐड करना होगा दोस्तों। इस टीवी में आने वाले रिमोट कंट्रोल फैसिलिटी में आपको 4 हॉट की और एक माइक का भी बटन मिल जाएगा, जिसके चलते आप वॉइस कमांड के माध्यम से इस टीवी को यूज़ कर सकते हैं। इस टीवी में आपकी बैक वॉल में आपको 4-4 HDMI केबल और USB पोर्ट, 2 USB पोर्ट, आपका AV पोर्ट, AV आउट, ये सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। हे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आगे भी दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये वीडियो आप लोगों को, आपके दोस्त लोगों को, सभी के हेल्प में आ सके। थैंक यू दोस्तों।